नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज और मैं हूं आपके साथ शिल्पा गुप्ता। 13 अप्रैल 1919 को वो दिन जब हजारों से भी ज्यादा लोग मारे गए और 2000 से भी ज्यादा लोग घायल हुए और इनमें मासूम बच्चे और महिलाएं भी शामिल थी। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं जलियांवाला बाग हत्याकांड की। भारत के पंजाब प्रांत के अमृतसर में स्वर्ण मंदिर के पास जलियांवाला बाग में वो दिन जब कर्नल डायर के निर्देश पर ब्रिटिश भारतीय सेना ने देश की आजादी के लिए प्रदर्शन कर रहे लोगों पर गोलियां चला दी थी। जी हाँ, उस समय अंग्रेजों के अत्याचार जोरों पर थे। ब्रिटिश सिपाही भारतीय जनता पर जहां तहां गोलियां चला देते थे, लेकिन अब इन अंग्रेजों को उस दिन का पछतावा हो रहा है। जी हाँ, अब इनको उन मासूमों की जान की कीमत का पता चल रहा है। इंग्लैंड के कैंटरबरी के आर्कबिशप जस्टिस वेलबी मंगलवार को पंजाब में जलियांवाला बाग स्थित शहीद स्मारक पर पहुंचे। इस अंग्रेज पादरी ने जमीन पर लेटकर शहीदों को नमन किया और कहा, 1919 में जलियांवाला बाग में हुए नरसंहार के लिए मैं बहुत शर्मिंदा और दुखी हूं। इस अंग्रेज पादरी ने जमीन पर लेटकर शहीदों को नमन किया और कहा, 1919 में जलियांवाला बाग में हुए नरसंहार के लिए मैं बहुत शर्मिंदा और दुखी हूँ। ईश्वर से माफी मांगते हुए जस्टिस वेलबी जमीन पर लेट गए। स्मारक पर एक विशाल सभा का आयोजन भी हुआ, जहां आर्कबिशप जस्टिस वेलबी ने एक प्रार्थना भी पढ़ी, जिसमें भयानक अत्याचार के लिए भगवान से उन्होंने माफी भी मांगी। आर्कबिशप जस्टिस वेलबी ने कहा, आपको याद है कि उन्होंने क्या किया है और उनकी स्मृति जीवित रहेगी। मुझे शर्म आती है और यहाँ किए गए अपराध के लिए खेद है। एक धार्मिक नेता के रूप में मैं इस दुखद घटना पर शोक व्यक्त करता हूँ। साथ ही आर्कबिशप वेलबी ने मंगलवार को ट्वीट में लिखा, मुझे आज अमृतसर में हुए भीषण जलियांवाला बाग नरसंहार के स्थल पर जाकर शोक, विनम्रता और गहरा शर्म का एहसास हुआ है। 1919 में यहाँ बड़ी संख्या में सिखों के साथ साथ हिंदू, मुस्लिम और ईसाई भी मारे गए। कैंटरबरी के आर्कबिशप जस्टिस पोर्टल वेलबी ने मंगलवार को जलियांवाला बाग की यात्रा के दौरान यहां हुए नुकसान, क्रोध और यातना के लिए दुख जताया और प्रार्थना की। जलियांवाला बाग ब्रिटिश काल में हुए नरसंहार की याद दिलाता है। साथ ही इस दौरान आर्कबिशप ने विजिटर बुक में भी अपने विचार दर्ज किए। उन्होंने लिखा, सैकड़ों साल पहले इस जगह पर हुई घटना को देख कर शर्म आती है। मैं इस घटना में मारे गए लोगों और उनके परिजनों के लिए प्रार्थना करता हूँ। मैं ये प्रार्थना इसलिए कर रहा हूँ ताकि हम इतिहास से सीख सकें। आर्कबिशप से नरसंहार पर माफी मांगने के बाद ब्रिटिश सरकार के रुख को लेकर सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा, मैंने जो महसूस किया उसके बारे में काफी सोचा। मुझे लगता है कि इसके बारे में इंग्लैंड में भी प्रचारित किया जाएगा। आपको बता दें कि 10 दिनों के लिए धर्मगुरु वेलबी भारत भ्रमण पर हैं। इससे पहले उन्होंने कोलकाता, मेडक, जबलपुर और बेंगलुरु का दौरा किया है। इसके बाद वो अमृतसर पहुंचे, जहां उन्होंने 1919 में बैसाखी के दिन अंग्रेजी हुकूमत के जनरल डायर के आदेश निहत्थे लोगों के किए गए नरसंहार की घटना पर असंतोष जताया। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और देखते रहें वीके न्यूज़। शुक्रिया।